हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी व्हाट्सएप में इंग्लिश में चैटिंग करना चाहते हैं बट आपको इंग्लिश आता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप में किसी से भी इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हैं, वो भी आसानी से। अगर आप भी जानना चाहते हैं तरीका तो इस पूरे वीडियो के भूलिए देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर जो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर फॉलो कर सकते हैं या मेरा यूजर नेम टेक बाय दीपक सोसन जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे आप भी अपने WhatsApp में इंग्लिश में चैट करेंगे किसी से भी, वो भी आसानी से। उसके लिए आपको मोबाइल में दो ऐप रहना ज़रूरी है। दोनों आपके मोबाइल में लगभग सभी के मोबाइल में होता ही है। पहला है जीबोर्ड और दूसरा ट्रांसलेट। अगर नहीं होगा बाई चानक तो आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो सभी के मोबाइल में रहता है ऑलरेडी। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में, यहाँ लिखेंगे जीबोर्ड, देखिए ऊपर ही आ गया, यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इसी तरह आप ट्रांसलेट को भी इंस्टॉल कर लेंगे, तो ट्रांसलेट कराएंगे। इस वाले को इंस्टॉल करेंगे, गूगल वाले को। जैसा देखिए मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ इसीलिए ओपन दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं कब इंस्टॉल होता है वो जीबोर्ड। देखिए हो रहा है, 28 MB का है। जैसा देखिए जीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है, देन बैक आएंगे, इस ऐप में चलेंगे, देखिए इस तरह इसका इंटरफेस है। देन आपको इनेबल सेटिंग पर क्लिक करना होगा, यहाँ से इनेबल कर देंगे जीबोर्ड को। देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ओके, फिर इसी पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट इनपुट मेथड पे। इस पर आपको जीबोर्ड को सिलेक्ट करना है ऊपर वाले को, देन डन पर क्लिक कर देंगे। इसका काम ख़त्म। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिए, अब आपको चलना है ट्रांसलेट में, नीचे है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर हिंदी चूज करना है और नीचे इंग्लिश, तो चलिए चूज कर लेते हैं, देन डन पे क्लिक कर देंगे। देन अब जाना है आपको सेटिंग में, कैसे जाएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर रीजन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इंग्लिश चूज करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको इंडियन इंग्लिश चूज करना है, देखिए इंग्लिश इंडिया लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। देन बैक आ जाएंगे, अब कुछ नहीं करना है, बैक आ जाएंगे पूरा। अब आपको चलना है व्हाट्सएप में, अब किसी चैट में चलते हैं, यहाँ पर आप टाइप करके आपको दिखाते हैं। देन आपका डायरेक्ट इस तरह खुल जाएगा, देन आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाले पे ट्रांसलेट पे, ओके क्लिक करेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हिंदी चूज करेंगे। चलिए अब कुछ लिख के आपको दिखाते हैं, कहाँ हो, देखिए ऊपर इंग्लिश में लिख रहा है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके मन में आए, जिस तरह आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं उस तरह इसमें हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में एकदम इजी वे। अगर वो बंदा इंग्लिश में भेजता है तो उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे, अब जो भी वो बंदा लिखा होगा उसको इस तरह प्रेस करेंगे, देन कॉपी करेंगे, उसको दला कर इसमें पेस्ट कर देंगे, इस पर क्लिक करके इसमें पेस्ट कर देंगे। देखिए ऊपर हिंदी में लिख दिया, तुम कहाँ हो भाई। इस तरह आप उधर से भी जो बात कर रहा होगा उसको भी समझ सकते हैं और इधर से भी आप जो कहना चाहते हैं वो आसानी से कह सकते हैं इंग्लिश में। इस तरह आप आसानी से किसी से भी इंग्लिश में चैट कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको बताऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर जो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन से आप फॉलो कर लें। थैंक यू।